एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन. एवरीवन ओपन योर कंप्यूटर बुक. एवरीवन ओपन योर कंप्यूटर बुक एंड ओपन पेज नंबर 48, चैप्टर 5, द कीबोर्ड. चैप्टर 5, आज हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में? कीबोर्ड के बारे में. कल 47 पे हम लोगों ने कुछ कीज राइट करके अपने कुछ नेम राइट किए थे. तो देखिए, यहाँ पेज नंबर 48 पे दिया है क्या कि लेट्स नाउ लर्न अबाउट सम मोर कीज ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड के जो कुछ कीज हैं उसके बारे में आज हम लोग लर्न करेंगे, सीखेंगे. दिया है एरो कीज. एरो कीज क्या करता है? दिस इज, ये देखिए इस फिगर में, इसको हम लोग बोलते हैं एक अपसाइड है, एक इधर है, लेफ्ट है, एक राइट है. इन सबको हम क्या बोलते हैं? एरो कीज. ए सर्कस. ए क्रशर इज ए स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन इन द टाइपिंग एरिया ऑफ द स्क्रीन. एंड मतलब एक स्क्रीन जो होता है उस पर टाइपिंग करने का एक एरिया जो होता है, फिर उसके बाद से वो उसको क्या करता है? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए क्रशर इज ए स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन, मतलब जिसे होता है ना प्लग जैसे छपकाते हैं, उसको टाइपिंग करने के एरिया में ये स्क्रीन पे शो करता है. एंड इट सो ए अदर पोजीशन द नेक्स्ट लेटर, मतलब ये नेक्स्ट लेटर को पोजीशन करता है क्या, और ये नंबर ऑफ टाइप. वी यूज़ द एरो कीज टू मूव द कर्सर अप डाउन लेफ्ट और राइट. मतलब अभी ये दिखाना है, ये है हमारा अप, ये है लेफ्ट, ये है राइट, इधर और एक होता है डाउन. ठीक, तो जो ये एरो कीज का जो यूज करते हैं वो मूव करने के लिए कर्सर का, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं, इन सब का यूज करते हैं. और क्या कहता है कि द एरो कीज आर आल्सो कॉल्ड द कर्सर कंट्रोल कीज. जो एरो कीज है उसको हम लोग कर्सर कंट्रोल कीज भी बोलते हैं. ठीक, अब आता है कैपलॉक्स की. वी यूज़ द कैप्स लॉक्स की टू टाइप कैपिटल लेटर. जो कैपलॉक्स की का हम यूज करते हैं वो क्या करता है, कैपिटल लेटर को राइट करने के लिए यूज किया जाता है. फर्स्ट प्रेस द कैप्स, पहले हम जो ये है कैप्स लॉक्स को, पहले उसको कैप क्या करेंगे, पुश करेंगे, दबाएंगे, एंड द कैपलॉक की लाइट ग्लो ऑन द अपर राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड. ये देखिए यहाँ पे ये कीबोर्ड का यहाँ पे दिया हुआ है, कैप्स लॉक लाइट ग्लोज ऑन द अपर राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड. ठीक, ये कीबोर्ड के राइट साइड में है, अपर साइड में, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है. और फिर क्या कह रहा है कि नाउ इफ़ यू प्रेस एनी अल्फ़ाबेट, अगर कोई आप कोई भी अल्फ़ाबेट पुश प्रेस करते दबाते हैं तो कैपिटल लेटर विल अपेयर ऑन द स्क्रीन. पहले इसको ऑन करेंगे तो जब उसके बाद से कोई अल्फ़ाबेट लेटर लिखेंगे तो किस में आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा स्क्रीन पे. एंड टू टाइप इन स्मॉल लेटर आफ्टर, अगर दोबारा स्मॉल लेटर राइट करना है तो क्या करेंगे, फिर कैप लॉक की को अगेन दबाएंगे तो क्या होगा, इट्स लाइट गोज ऑफ, वो लाइट ऑफ हो जाएगी. एंड दिस मीन्स द लेटर विल बी अपेयर इन लोअर केसेस. ओके, क्वेश्चन GPT पे क्या कहता है, GPT देखते हैं. टू टाइप ए फ्यू लेटर इन द सेंटेंस इन कैपिटल और स्मॉल, तो वी यूज शिफ्ट की. अगर हमको कुछ कैपिटल सेंटेंस राइट कर रहे हैं और उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर का टाइपिंग करना है तो हम लोग शिफ्ट की का यूज करते हैं. बट व्हेन वी हैव टू टाइप मोर टेक्स्ट कैपिटल या स्मॉल लेटर्स, वी यूज कैप लॉक्स की. अगर हमको कुछ ज़्यादा लिखना है, कैपिटल लेटर ही बस लिखते जाना है, तो वहाँ पर हम कैप लॉक की का यूज करते हैं. फिर कह रहा है फन टू लर्न, मजाक मजाक में सीखते हैं. क्या करते हैं कि टू इरेज लेटर और ये नंबर, अगर कोई नंबर या लेटर रिरेज करना है तो क्या कहेंगे कि द लेफ्ट साइड द कर्सर वी यूज द बैक स्पेस की. हम लोग बैक स्पेस की यूज करेंगे. एंड टू इरेज ए लेटर और नंबर ऑन द राइट साइड द कर्सर वी यूज टू डिलीट की. ठीक, ये डिलीट की है, ये बैक स्पेस है. जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको वो समझ में आएगा. फिर आता है क्या कि शिफ्ट की. शिफ्ट की क्या है, आइए देखते हैं. शिफ्ट, लुक एट द गिवन कीबोर्ड, जो कीबोर्ड दिया गया है
देयर आर सम कीज, पेज नंबर 49 पे दिखा रहा है, देखिए फिगर पे, लुक एट द गिवन कीबोर्ड एंड देयर आर सम कीज दैट शो सिंबल नंबर्स आर टू सिंबल्स, व्हेन वी प्रेस दिस कीज द लोअर सिंबल्स नंबर अपीयर्स ऑन द स्क्रीन एंड टू टाइप ऑफ अपर सिंबल वी यूज द शिफ्ट की टुगेदर विद दैट की। शिफ्ट की क्या कह रहे हैं कि लुक एट द कीबोर्ड, देखिए और वहाँ पे कुछ की दी गई हैं सिंबल्स के शो कर रही हैं, और वो क्या नंबर या टू सिंबल्स को शो कर रही हैं। व्हेन यू प्रेस दिस कीज, जब वो आप वो कीज को दबाएंगे तो द लोअर सिंबल इज आर नंबर अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे वो शो करेंगे नंबर या लोअर सिंबल। फिर टू टाइप द अपर सिंबल वी यूज द शिफ्ट की, जब आपको अपर सिंबल राइट करना होगा तो आप शिफ्ट की को पुश करेंगे एंड प्रेस करेंगे, फिर टुगेदर विद दैट की वो एक साथ काम करेंगे। आते हैं पेज नंबर 49 पे, देखते हैं। देखिए पेज नंबर 49 पे कीबोर्ड जो शो कर रहा है इसमें दिखा रहा है शिफ्ट की। शिफ्ट की कहाँ पे दिखा रहा है, ये देखिए शिफ्ट की, ये देखिए शिफ्ट की, देखिए इफ यू प्रेस द शिफ्ट की टुगेदर विद द की, ये जो की है अगर आप शिफ्ट की को एक साथ पुश करते हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है कि द एक्सक्लेमेशन मार्क अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे ऐसा ये मार्क्स शो करेगा। ठीक, फिर क्या हो रहा है कि वी ऑल्सो यूज द शिफ्ट की टू टाइप कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, आप इसका भी यूज शिफ्ट की के थ्रू, शिफ्ट की टू टाइप कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, हमारा शिफ्ट की भी क्या करता है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर का यूज करता है, इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि व्हेन द कैप लॉक की ऑन वी कैन टाइप स्मॉल लेटर्स बाय प्रेसिंग द शिफ्ट की ऑन द अल्फाबेट की, जब आप कैप लॉक की ऑन करेंगे तो आप स्मॉल लेटर या लेटर क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं और शिफ्ट की से अल्फाबेट की। अभी देखिए जैसे यहाँ पे फिगर में दिखा रहा है, ये हो गया आपका क्या कैप लॉक की, ठीक, और ये है शिफ्ट की, जब शिफ्ट की और ये टी की किप कर रहे हैं तो क्या आ रहा है स्मॉल अल्फ़ाबेट आ रहा है। फिर जब व्हेन द कैप लॉक्स की ऑफ, जब कैप लॉक्स की ऑफ करेंगे तो वी क्या करेंगे, वी कैन टाइप कैपिटल लेटर बाय प्रेसिंग ऑन द शिफ्ट की, ये देखिए शिफ्ट की और कैपिटल टी क्या ले रहा है, टी ले रहा है कैपिटल, तो ये क्या कर रहा है कि देयर आर टू शिफ्ट कीज ऑन द कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड में क्या है कि टू शिफ्ट की हैं। ठीक, फिर क्या है आगे दिया है, क्या आगे दिया है कुछ एक्टिविटी, तो इतना आप पहले बुक रीडिंग करेंगे तो समझेंगे कि दिया है राइट योर फुल नेम, आप फुल नेम राइट करिए, तो जब आप कंप्यूटर लैब पे बैठेंगे ना या फिर अपने स्कूल का नेम कंप्यूटर पे कीबोर्ड के थ्रू तो आपको कराया जाएगा। तो चलिए आज 49 पे ही रहने देते हैं, कल 50-51 करा के इसका एक्सरसाइज कराएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, आप लोग बुक रीडिंग कर लीजिए। बाय एवरीवन।